भाजी समझ जाओ, आपने उसका इलाज करा इतनी देर में तो दो दवाई लगाई इसके सारे दूर हो जाओ पूछते हैं बहुत ज्यादा भूख आई है चंद्रप्रकाश हमारे द्वारा दवाई लगा दी गई एक अच्छी बात है इसके चीटें लगी पर सांप भी खाता है बहुत दूर आ रहा एक मिनट सर वीडियो बनने एक मिनट अरे कोबरा मिलने के टाइम टोल टैक्स भी जा पाएगा पी रहा पानी है राकेश होटल का धन्यवाद इसने तो सेवा के लिए बुलाया लो भैया किसका फोन था लो दियो भैया अरे नहीं फोन भैया हाँ भैया पानी पी रहा है ना ये भैया ये हमारे भैया नीचे आया हाँ चलो भैया अच्छा 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 इसका इलाज करा थोड़ा जाके से अच्छा अच्छा फेंक दो तेरे घर भी चला है ना बहुत आज मिली होगी चढ़ जाओ भाई छोड़ दो थोड़ी थोड़ी ना जाना की वाकई पानी पी गया दवाई लगा के तो वही जाना बहुत लंबा उठेगा बहुत लंबा मुर्दों को जिंदा कर दो आवाज छोड़ दो फोन आप कहना वीडियो को बना रहा सही बोल रहे आप ही खाता है वो सब लोग ऐसी जगह छोड़ो ज्यादा चीटी ना लगे इसको दवाई लगा दिया अरे सर मुँह बोल गया ऐसी पिला दो ना पानी पानी पी रहा हूँ पीना पानी पी रहा हूँ एक हफ्ते से फसा हुआ है 6 दिन से कुछ खाया नहीं ना पिया पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा हाँ पता नहीं इसका कुछ बाइक ने ऊपर उठते यार थोड़ा बहुत ऊपर उठेगा पीछे पीछे हो जाओ थोड़ा इनका कुछ पता नहीं है इसमें ऊपर उठता है बहुत ऊपर इंसान तो ऊपर इससे पहले 16 फीट ही पड़ा था वो घायल है बेटे ठीक होता है डैमेज होगा ना जब मैं 16 फीट ही पड़ा था नहीं भैया आप कुछ कहना चाहोगे साहब के लिए पीछे यार कर दो थोड़ी बात चलो चलो पकड़ना क्या चलो चलो के वैसे भी लगे ये देखो भाई 15-16 फीट का होगा 12 फीट का है
चैनल देख लेना सर साहब। ये कौन सा सांप है? किंग कोबरा। किंग कोबरा तो पीछे चोट लगी हुई है। ये यहाँ के हमारे काफी माने हुए सांप पकड़ने वाले। एक हफ्ते से घायल था, ये फंसा हुआ था। इधर रोल में आ गया। पेटी का हाँ तो भाई तुम्हारे पास में ओ भाई पेटी लगी है दवाई तेरा मैं नहीं तेरी कर सकता। तुम पंडित जी करेंगे नोट एंट्री दो रात में चले वैसे तुम मैं तुझे माल इकट्ठा करो रात को बटे पे था तुम किनारे हो गए। दो तीन जनों को फोन करा उन्होंने पूछा कल यही मिलना है। हाँ ओ भाई दो तीन दिन में एक्टिव हो जाएगा। एक सांप लिया इसको इसमें जान आ जाएगी थोड़ी सी। हेलो ये फीमेल होगी या मेल होगी? यार भाई मैंने बुल्ली तो देखी नहीं थी। नहीं होगा पकड़ा ना बोले तो नॉलेज होगी आपको। देखो तो चीटी आ गई। देखो दूसरी सब्जी है दादा इसे रखोगे और बाकी बहुत दुख है। जिस इन कोबरा को बचाने के लिए हमारे टोल कर्मी और सबसे बड़ा सहयोग मेरे राकेश भाई का था। ये सूचना दी और इनके मैनेजर साहब भी उनको मौके पर आए और एक संसाधन मुहैया कराया था। इसको बाहर निकाला झाड़ियों में फंसा हुआ था निकाला और कल से हमने इससे कहा था कि तू मुझे वहीं मिलियो। तो देखिए किंग कोबरा ने अपने प्राण दे दिए परंतु मैं उसे जहाँ छोड़ गया था वो वहीं मिला और थोड़ा मेरा भी फर्ज बनता है। भाई ने सूचना दी कि वो इस दुनिया से चला गया तो थोड़ा मेरा भी फर्ज बनता था उसको। एक तो हमारे परंपरा है संस्कृति सनातन धर्म की उसका अंतिम संस्कार उसको दबा कर किया जाए। दूसरा कारण ये भी है कि यदि इसको खुले में रखा गया तो इसके जो कांटे होते हैं काफ़ी घातक होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते थे। चाहे गाय हो चाहे कोई भी इंसान हो किसी को भी रख जाएगा तो बड़ा नुकसान पहुँचा सकते थे। अब देखिए भाई लोगों ने गड्ढा खोद दिया है। साथी लोग गड्ढे को खोद के तो थोड़ा घटू ना धर्म प्रेमियों का तो अंतिम नमस्कार होता है लकड़ी में डाल के शरीर को भस्म किया जाता है परंतु जो भी जानवर होते हैं उनके अंतिम नमस्कार इसी तरह से किया जाता है।
कॉल कर दो उसे। पता नहीं कितनी पीड़ा इस अनबोलते राजा ने सही होंगी। यदि 4-5 दिन पहले जब ये देखा गया था हमें पता चलता तो शायद ये बच सकता था। तो विधि ने जितना जिसका लिख दिया, राजा हो या रंग, सबने दुनिया छोड़नी है। ट्वाइस ने भी दुनिया छोड़ दी। इतिहास है कभी भी किसी राजा का उसी जंगल के ऐसा अंतिम शिकार नहीं हुआ होगा, ना ही हम कहेंगे कभी ऐसा हो। पितरों के दिन चल रहे हैं और कहीं ना कहीं नाग के स्वरूप को भी हमारे सनातन धर्म में पितर माना जाता है। सम्मान सबको होना चाहिए। हमारी संस्कृति तो ये कहती है चाहे चींटी से लेके हाथी तक सबको पूछते हैं दुगड़ा, वो चाहे कोई भी जाना हो दुनिया छोड़ के चला गया। और कल हमसे अपने से कहा था कल हमें यहीं मिलियो, तो बेचारा हमें यहीं मिला। कल जिंदा था, आज उसने अपना शरीर त्याग दिया। भाई लोगों की मदद से हमने इसका अंतिम करते से दफना दिया। इससे वैसे भी क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं हड्डियाँ होती हैं वो लग जाते नुकसान हो सकता था, तो इसको दफना दिया गया है। सांप से बिल्कुल भी आप छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। देखिए एक श्रद्धा सुमन है हमारे पास इसके लिए।